फ्रेंड्स, बालों में कई बार रूसी की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है और आजकल के बिजी शेड्यूल में सही तरीके से ध्यान ना देने की वजह से ये समस्या आम हो गई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा कंटेंट जरूर हो जिससे आप अपनी रूसी की समस्या को दूर कर सकें। आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से कि आप किस तरीके से रूसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल काफी ज्यादा माइल्ड होता है। आपकी त्वचा संबंधित कोई रोग हो, समस्या हो, टैनिंग हटानी हो या फिर अपने फेस पैक के अंदर ही इसे इस्तेमाल करना हो, आप किसी भी चीज के लिए बिना किसी झिझक के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल दो रूपों में पाया जाता है। आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर आपके घर के अंदर जो एलोवेरा का पौधा है आप उसी से एक टहनी तोड़कर उसे बीचों बीच से कट करके उसका जेल निकाल सकते हैं। दोनों ही जेल काफी अच्छे तरीके से मॉइस्ट और मुलायम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काफी ज्यादा सिल्की बने तो अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद और सुखाने के बाद अपने बालों में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए। आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की हो जाएंगे जो शायद किसी सैलून में जाने की वजह से भी नहीं हो सकते। यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं आज के मुद्दे पर, यानी कि रूसी से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज्यादा रूसी हो गई है तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपका स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई हो गया हो। इसीलिए ड्राई स्कैल्प को ठीक करने के लिए आपको उसे अच्छे तरीके से नरिशमेंट या फिर मॉइस्चराइजेशन देने की जरूरत है। जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो अपने बालों पर और स्कैल्प पर अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल से भी कम 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करिए। आप चाहे तो एलोवेरा जेल के अंदर अपना हेयर ऑयल भी मिला सकते हैं। फिर चाहे वो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो या फिर आंवला का तेल हो, कोई भी तेल जो भी आप लगाते हैं उसे आप एलोवेरा जेल के साथ कंबाइंड करके अपने स्कैल्प पर अच्छे तरीके से मसाज करिए। ऐसा करने से सारा तेल आपकी खोपड़ी के अंदर समा जाएगा और उसी की वजह से नमी बरकरार रहेगी। रूसी की समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे स्कैल्प काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है या फिर उसमें ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है। सो दोस्तों, ऐसा करने के बाद अपने स्कैल्प को अच्छे तरीके से मसाज करिए और 20 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करने के लिए आप शैम्पू या फिर कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाल सुपर सॉफ्ट तो हो ही जाएंगे बल्कि आपकी रूसी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। एक हफ्ते के अंदर आप इसे 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से हर्बल है इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो दोस्तों, रूसी से अगर परेशान है तो एलोवेरा जेल का प्रयोग करना ना भूलिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।